अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार मज़ेदार कटहल की सब्ज़ी, जो कि बनाने में बेहद आसान और झटपट तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। ना तो हमें इसको तलना पड़ेगा अलग से कटहल को, और ना ही हमें इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच तेल के डाल लिए हैं गर्म करके, और यहाँ पर प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले प्याज लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, क्योंकि हम कटहल का दो प्याज़ा या भुना कटहल या खड़ा गरम मसाले वाला कटहल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसके अंदर प्याज थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट होने तक बस हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे, और अब इसके साथ में ही डाल देंगे हम कटहल। तो कटहल को हमें अलग से फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम प्याज अदरक लहसुन के साथ में ही हम कटहल को भी फ्राई कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, और जो प्याज का फ्लेवर है वो पूरा का पूरा कटहल के अंदर उतर जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम सूखे मसाले। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा कटहल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ डाल देंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, क्योंकि हम इसको मसाले वाला भुना मसाले टाइप का कटहल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम पानी की मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी रखेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे सिर्फ इसमें। और ये मसाले भूनने के लिए हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो 1 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया था, तो यहाँ पर मैं 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, वो इसलिए कि जिसमें हम अपने कटहल को गलाने के लिए रखेंगे। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके मैं इसमें कुकर में 1 सीटी दे दूँगी। सिर्फ 1 सीटी के अंदर ये हमारा कटहल गल जाएगा अच्छे तरीके से। 1 सीटी देने के बाद हमने कुकर को खोल कर देख लिया है, कुकर ठंडा हो चुका था। अब हम यहाँ पर कटहल को चेक कर लेंगे कि ये हमारा कटहल गला कि नहीं गला। अगर आपका कटहल थोड़ा सा कर्रा है या नहीं गला है, तो आप उसमें 1 सीटी और दे सकते हैं। बाकी आप उसमें 1 साथ 2 सीटियाँ ना दें, क्योंकि फिर वो लेस लेस वाला चिपचिपा सा कटहल बन के तैयार होता है। तो बिल्कुल 1 सीटी देने के बाद मेरा कटहल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया था। तो उसमें डाल दिया मैंने ढेर सारा हरा धनिया। तो ये देखें, झटपट तरीके से बनके तैयार हो गया है मेरा कटहल। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। इसकी रंगत देखें, क्या खूबसूरत रंगत आ गई है, और इसके पीसेस भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और ये टूटे भी नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम इसको गला लेते तो इसका रेशा बिल्कुल अलग हो जाता, और ये हमारा सालन एकदम मचा सा बिल्कुल महसूस होने लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। तो खाने की चीज़ को बेहद खूबसूरत भी बनाया जाता है, ताकि लोग 1 के बजाय 4 रोटियाँ खाना पसंद करें। तो इस तरीके से आप भी अपने कटहल को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और बहुत झटपट तरीके से ही बनके तैयार हो जाता है, और बेहद लजीज और मज़ेदार बनके ये तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? झटपट से बनने वाला कटहल हमारा रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।